नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गुड क्रॉप्स में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च की काफी शानदार वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, ये वैरायटी VNR कंपनी की है और इस वैरायटी का नाम है सुनिधि। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी खेती हम किस प्रकार से करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो किसान भाइयों, इसकी खेती हमें किस प्रकार की मिट्टी में करनी चाहिए, इसकी फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है, इसका जीवन काल क्या होता है, इसकी नर्सरी हमें कैसे तैयार करनी चाहिए और इसके बीज का प्राइस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैरायटी VNR कंपनी की है और इस वैरायटी का नाम है सुनिधि। किसान भाइयों, अगर इसके रंग की बात करें तो इसके फल का रंग गहरा हरा होता है और काफी चमकीली दिखाई देती है। किसान भाइयों, ये मिर्ची काफी आकर्षित होती है जिससे आपको मार्केट में बेचने में काफी आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर बात करें इसके फल की लंबाई की तो इसके फल की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। और वहीं किसान भाइयों, बात आती है इसके फल की मोटाई की तो इसके फल की मोटाई 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। किसान भाइयों, अगर इसमें बात करें तीखेपन की तो इसमें तीखापन उच्च प्रकार का होता है जो कि खाने में काफी तीखी होती है। किसान भाइयों, अब बात आती है इसकी खेती हम किस मौसम में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी आप रबी और खरीफ में खेती कर सकते हैं जिसमें काफी अच्छी फसल तैयार हो जाए। किसान भाइयों, अब बात आती है इसकी नर्सरी की तो इसकी नर्सरी 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है। और वहीं बात करें अगर इसकी नर्सरी तैयार करने के तरीके की तो इसकी नर्सरी आप प्रो ट्रे का प्रयोग करके भी तैयार कर सकते हैं। और अगर प्रो ट्रे आपके लिए उपलब्ध नहीं है तो आप किसी समतल जगह पर मिट्टी में जैविक खाद का प्रयोग करके इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बताती है इसकी फसल तैयार होने की। तो किसान भाइयों, जब आप नर्सरी की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 55 से 60 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है, मतलब कि इसकी मिर्च की तुड़ाई शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात आती है इसके जीवन काल की। तो अगर आप इसकी अच्छी प्रकार से देखभाल करते हैं तो इसकी फसल आप 8 से 9 महीने तक ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब सबसे मेन बात आती है, वो है इसके बीज का प्राइस। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जब आप इसका 10 ग्राम का पैकेट लेंगे तब ये आपको 400 रुपए के आसपास पड़ेगी। किसान भाइयों, एक बात और छूट रही है जो है इसकी खेती हम किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, इसकी खेती आप काली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में और काफी सारी मिट्टियों में कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सबसे ज्यादा उपज उत्पादन देने वाली मिट्टी की बात करें तो वो है काली और दोमट मिट्टी। किसान भाइयों, ये वैरायटी काफी सारे रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है और इसमें वायरस का प्रकोप भी काफी कम रहता है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।